हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.8 और 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लास हमारे पास है सिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जामिन विद द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। आपको क्या बताना है कि ये क्या आपके पास पॉलीगन्स है। इफ़ एनी वन अमंग दिस इज नॉट, अगर इनमें से कोई ऐसी है जो पॉलीगन नहीं है, से वाई, तो ये बताना है कि वो क्यों एक पॉलीगन नहीं है। रीज़न देना है, आपके पास फर्स्ट फिगर है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 करके हम बनाते गए और यहाँ पे लेके आके हमने रोक दिया इसको यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पॉलीगन हमारे पास कैसी फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। बट ये तो हमारे पास क्या, ओपन है। क्योंकि देखो, अगर इसमें कोई भी, अगर हमारे पास क्लोज्ड बोल दिया तो इट मीन्स क्या, उसके अंदर जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बट इसमें तो अंदर जाने के लिए रास्ता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे राउंड करके यहाँ पहुँच गए हम। तो क्या बोल देंगे, एज इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड फिगर। क्यों? क्योंकि यह एक क्लोज्ड फिगर नहीं है, देयर फॉर इट इज़ नॉट ए पॉलीगन। तो इसीलिए क्या है, ये एक पॉलीगन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास टू। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक है? देखो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइड्स हैं हमारे पास, 2 4 6, सिक्स साइड्स हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेक्सागन। हेक्सागन दे रखा है आपको, ये बताना है क्या ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि क्लोज्ड फिगर होती है। अब ये देखो, ये तो क्लोज है, पूरी की पूरी बंद है। तो क्या बोल देंगे, इट इज़ ए पॉलीगन बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड बाई लाइन सेगमेंट। क्योंकि यह है क्लोज है, किससे, लाइन सेगमेंट से। फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीट हो गई, क्लोज है। दूसरी भी क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो लाइन सेगमेंट से भी बनी हुई है और क्लोज भी है। ये लाइन सेगमेंट से तो बनी थी बट क्लोज नहीं थी। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक पॉलीगन। नेक्स्ट है थ्री। थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। एक सर्कल है, उसके अंदर तो हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है, क्लोज्ड है बट लाइन सेगमेंट नहीं है। तो क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट। क्योंकि यह है जो फिगर बनी हुई है, ये फिगर लाइन सेगमेंट से बनी हुई नहीं है, लाइन से बनी हुई नहीं है, बल्कि ये किससे बनी हुई है, ऐसे राउंड करके बनाई गई फिगर है। लाइन हमारे पास क्या होती है, ऐसे जो सीधी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसे। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ में हमारे पास देखो, एक ये भी सीधी लाइन, ये भी सीधी, बट ये आपके पास क्या है, ऐसे कर रखा है, ये क्या है कि आर्क। तो क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन, ही है एक पॉलीगन नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड ओनली बाय द लाइन सेगमेंट। ये ओनली लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, ये तो दो लाइन सेगमेंट से बनी है, बट ये किससे बनी है, ये तो लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, ये तो आर्क है ऐसे। तो इसलिए इट हैज़ कर्ड सरफेस आल्सो। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कर्ड सरफेस, बट इसको हम क्या नहीं बोल सकते, पॉलीगन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो फिगर है वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, पर पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट से बनी, ये क्या है, कर्व से बनी हुई है, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है, नेम ईच पॉलीगन। हर एक पॉलीगन का आपको नाम बताना है। फर्स्ट है, देखो ये क्या है, 1 2 3 4, फोर साइडेड है। फोर साइडेड होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्योंकि इक्वल भी नहीं दे रखी और अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या आता है फिर, क्वाड्रिलेटरल। की हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3, थ्री साइडेड है। थ्री साइडेड क्या होती है, ट्रायंगल होती है। तो सेकंड को हमने क्या लिख दिया, ट्रायंगल। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, फाइव साइडेड है। फाइव साइडेड को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, जिसके एक ऐसी फिगर क्लोज्ड, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर फाइव साइड दी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एट साइड हैं। एट साइड्स हैं तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टागन। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन का आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। हेक्सागन है, हेक्सागन का मीनिंग क्या है कि इट मीन्स उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी, सिक्स साइड्स होंगी। कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, उसके जो तीन वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट करेंगे, ड्रॉ ए ट्रायंगल, और उससे हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन, आप इसको ड्रॉ करके ऐसे और बनाओगे, और आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल बनेगी वो कैसी ट्रायंगल है।
अब देखो ये हमारे पास फाइव साइडेड है, फाइव साइडेड है, सॉरी फाइन सिक्स साइडेड, सिक्स साइडेड फिगर है। सिक्स साइडेड हमने क्यों ड्रॉ किया, अपने पास से हमें फिगर ड्रॉ करनी है, क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, एक हेक्सागन, हेक्सागन दे रखा है, तो इट मीन्स हमारे पास कितने साइड आएंगी, सिक्स साइड्स आएंगी। इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ए और ई से जब मैंने मिलाया तो ये क्या बन गई, ए ई एफ, ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रैंगल बन गई। इसी तरह हम इधर भी बना सकते हैं, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी डी, ये भी क्या बन जाएगी आपके पास एक ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, ये आपके पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। एंड ट्रायंगल्स दस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ए ई एफ इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। और जब हमने ट्रायंगल बनाने के लिए इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनी उसका नाम क्या है, ए ई एफ। और ये कैसे आइसोसेल्स, आइसोसेल्स कैसे है, इट इसकी दो साइड्स क्या इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन का हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टिसेस, उसके तीन वर्टिसेस को हम कनेक्ट करेंगे। ड्रॉ ए ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनाएंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन, आपने जो ट्रायंगल ड्रॉ की है वो किस टाइप की ट्रायंगल है। अब देखो इसी तरह एक बार फिर से हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारे पास कितनी साइड्स होनी चाहिए, सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन दे रखी है आपको, हाँ इसके अंदर आपके पास हेक्सागन नहीं ऑक्टागन दे रखी है, तो ऑक्टागन दे रखी है तो हमारे पास कितने साइड्स होंगी, एट साइड्स होंगी। एट साइड्स से हमने जो फिगर बनाई तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑक्टागन। ऑक्टागन है उसका नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए रेगुलर ऑक्टागन, ये क्या है, एक रेगुलर ऑक्टागन है। एंड अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हम ट्रायंगल तो ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर हम इससे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते तो इससे हम देखते हैं क्या फिगर बना सकते हैं। हमने एच से सी को ज्वाइन कर दिया और जी से डी को ज्वाइन कर दिया, ये करके ऐसे, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एच सी डी एच, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गई। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए रेगुलर ऑक्टागन, की ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। एंड सी डी जी एच इज ए रेक्टेंगल, सी डी जी एच क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ, ए डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी टू वर्टिसेस, जो डायगनल है वो हमारे पास क्या होता है कि एक जो लाइन सेगमेंट है, डायगनल हमारे पास क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है दैट ज्वाइन, जो ज्वाइन करने से बनता है एनी टू वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, एक पॉलीगन के दो जो वर्टिसेस हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक डायगनल। एंड इज़ नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगन, एंड इज़ नॉट, और ये नहीं हो सकता साइड ऑफ द पॉलीगन, ये जो है ये पॉलीगन की साइड नहीं होती है हमारे पास, ये क्या होता है कि डायगनल। मीन्स ऐसे तो हमने इन वर्टेक्स को भी ड्रॉ करके दिया, इन वर्टिसेस को भी मिलाया, बट ये तो हमारे पास क्या है, इसके साइड है, और जो डायगनल होता है वो एक साइड नहीं होता, बल्कि वो क्या है, दो वर्टिसेस को तो मिलाते हैं बट उस वो हमारे पास एक साइड नहीं है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन, एक पेंटागन की रफ स्केच ड्रॉ करें, एंड ड्रॉ इट्स डायगनल, और उसके डायगनल को ड्रॉ करें। अब पेंटागन है, पेंटागन मीन्स फाइव साइडेड है, फाइव साइड बनाएंगे पहले, ए बी सी डी ई, कोई भी कैसे भी फिगर बना सकते हैं बट हमारे पास फाइव साइडेड फिगर होनी चाहिए। अब जब हमें डायगनल ड्रॉ करने हैं तो डायगनल के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए से हमने क्या मिला दिया डी, ए से हमने क्या मिलाया सी, अब ए से बी नहीं मिला सकते, ए से ई नहीं मिला सकते, इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए डी भी एक डायगनल हो गया और ए सी भी एक डायगनल। फिर हमने बी से ड्रॉ किया, बी से ई आ जाएगा और बी से हमारे पास क्या आ जाएगा डी, अब बी से सी नहीं हो सकता और बी से ए नहीं हो सकता, इन दोनों पे हमने डायगनल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है सी, सी से हम सिर्फ ए पे कर सकते हैं क्योंकि इधर से अगर हम ई पे करेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे,
इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि सी से हमने क्या कर दिया, ए सी और सी ई हो जाएगा। इसी तरह डी से हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेज हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेज हैं और हर एक से हमने कितनी कितनी ड्रॉ करके दिखा दी, 2 ड्रॉ और हो सकती हैं। तो हम क्या बोल देंगे, ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड पेंटागन। ए बी सी डी ई क्या है कि पेंटागन है एंड इट्स डायगनल्स आर, और इसके जो डायगनल्स है वो क्या है, ए डी ए सी बी ई बी डी और सी ई ई सी, ये सभी हमारे पास इसके जो अंदर से डायगनल क्या होता है कि क्लोज फिगर के अंदर से जो हमारे पास ड्रॉ होते हैं ना दो वर्टिसेस को मिलाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं कि डायगनल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.8। ओके, थैंक यू।